हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HBSC टेक्निकल ज्ञान में। तो गाइस, आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं साइड ग्लास के बारे में। ये साइड ग्लास हमारा जो HBSC सिस्टम होता है उसमें क्यों यूज किया जाता है, तो ये वीडियो में हम लोग इसको बात करेंगे। तो ये आप वीडियो फुल देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप का होता है। तो गाइस, ये दो टाइप का होता है, एक फ्लेयरिंग टाइप होता है और एक ब्रिजिंग टाइप होता है। तो आप देख सकते हैं ये फ्लेयरिंग टाइप है और ये ब्रिजिंग टाइप है। दूसरा एक फ्लेयरिंग टाइप होगा, यहाँ पे फ्लेयर नट नहीं होगा, इसमें थ्रेड होगा और हमारा ये फ्लेयर नट होगा। तो हमारा सिस्टम का जो पाइप होता है उसमें फ्लेयर और फ्लेयर नट बना के इसमें टाइट किया जाता है, जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो दो ही टाइप का होता है, एक फ्लेयरिंग टाइप और एक ब्रिजिंग टाइप। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं ये सिस्टम में लगता कहाँ पे है। तो सिस्टम में गैस लगता है ड्रायर कोर के बाद और एक्सपेंशन वाल का पहले। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सिस्टम में हमको क्या इससे बेनिफिट है, क्या हम लोग इसमें चेक करते हैं। तो गैस इसमें हम दो चीज़ चेक करते हैं। और फर्स्ट जो मोस्टली इसको चेक करते हैं वो फर्स्ट है कि हमारा सिस्टम का अंदर मॉइस्चर हो गया है, या मॉइस्चर लेवल को ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम में मॉइस्चर है या नहीं है। तो अगर मॉइस्चर है तो भी ये इंडिकेट करेगा, मॉइस्चर नहीं है तो भी इंडिकेट करेगा। तो अभी हम लोग समझेंगे कि इंडिकेट आखिर हमको मालूम कैसे चलेगा कि इसमें मॉइस्चर है। तो इसमें कलर कोड के थ्रू ये आपको इंडिकेट करता है कि सिस्टम में मॉइस्चर है और नहीं है। तो वो कैसा करेगा, तो हम आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई और वेट लिखा हुआ है। तो हम दूसरा ले लेते हैं, इसमें क्लियर दिखेगा, इसका कैप निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई लिखा हुआ है, यहाँ पे वेट लिखा हुआ है। तो ड्राई बोले तो इस सूखा और वेट बोले तो गीला, मतलब मॉइस्चर है। तो अभी ये इसका कलर कोड है ग्रीन और येलो। और ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ये जो वाइट वाला राउंड वाला देख रहे हैं, ये सेंटर में वाइट, यही हमको इंडिकेट करता है। ये इंडिकेशन पैड है जो कि रेफ्रिजरेंट जब फ्लो आएगा, तो अगर रेफ्रिजरेंट के अंदर मॉइस्चर नहीं है तो यहाँ पे जो ये राउंड है, ये इंडिकेशन पैड है, ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन हमेशा ग्रीन रहेगा, जब अगर सिस्टम में मॉइस्चर नहीं है तो ये ग्रीन रहेगा, अगर सिस्टम में मॉइस्चर है तो ये येलो हो जाएगा। तो ये कलर जो हमारा है वेट लिखा हुआ है, मतलब मॉइस्चर, तो ये हमारा येलो यहाँ पे शो करेगा अगर मॉइस्चर है तो। तो ये होता है। दूसरा, आप साइड ग्लास में देखेंगे कोई कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग कंपनी करता है, तो उसमें तीन इंडिकेशन के लिए देता है बोल के यहाँ पे अलग से एक आता है, उसका कलर कोड अलग हो सकता है जो कि आप डिस्प्ले से देख सकते हैं। तो इसका जो है ये इसका मतलब है कि वार्निंग है, मतलब अभी इस जो मॉइस्चर लेवल हो स्टार्ट हो गया है तो वो वार्निंग शो करता है। दूसरा येलो वाला जो है वो मॉइस्चर इंडिकेट करता है, और ड्राई जो लिखा हुआ है ग्रीन वाला, ये हमारा मॉइस्चर नहीं है सिस्टम में, वो इंडिकेट करता है। तो ये हो गया गाइस, अभी आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं मैंने लिखा है इसमें। दूसरा, आप इसमें एक और चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप इसमें देखेंगे ग्लास में तो यहाँ पे बबल्स के जैसा दिखेगा आपको, जब भी रनिंग में मशीन है तो यहाँ पे बबल्स के जैसा दिखेगा। तो ये बबल्स के जैसा दिखेगा तो उस टाइम में हम लोग को ये मालूम पड़ेगा कि अगर वो बबल्स जब दिखेगा तो आपको या तो जो सिस्टम में गैस जितना होना चाहिए वो उतना नहीं है, कम है गैस, इसके लिए यहाँ पे बबल्स बन रहा है। दूसरा, ड्रायर कोर सॉरी ड्रायर फिल्टर ड्रायर जो हमारा वो ब्लॉक है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, मतलब वो जो जितना हमारा जो ड्रायर कोर को गैस है जो आगे फ्लो करना चाहिए उतना फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बबल्स बनता है। तो उस टाइम में क्या करना चाहिए, हमारा जो ड्रायर फिल्टर है उसको चेंज करना चाहिए, जो फिल्टर ड्रायर है उसको चेंज कर देना चाहिए। चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसको चेक करने के लिए अभी यहाँ पे मान लीजिए बबल्स बन रहे हैं तो ड्रायर कोर का ब्लॉक है क्या है वो चेक करने के लिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जब फिल्टर ड्रायर को हम लोग चेक करेंगे कि चारों साइड में उसको गर्म है कि नहीं है, वो गर्म हल्का
गर्म रहता है पूरा साइड में। अगर वो गर्म है तो मतलब ये हमारा फिल्टर ड्राइव प्रॉपर काम कर रहा है, और अगर वो ठंडा है तो इसका मतलब हमारा फिल्टर जो है फिल्टर ड्राइवर वो ब्लॉक है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं और उसको चेंज करके सही कर सकते हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं कि सिस्टम हमारा जब प्रॉपर वर्क कर रहा है तो हम लोग इसमें हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो अगर सिस्टम हमारा प्रॉपर वर्क करेगा तो हमारा जो ये ड्राइव जो कलर कोड है ये ग्रीन, ये हमारा इंडिकेशन पैड ग्रीन शो करेगा। और उस सिचुएशन में अगर हमारा कंप्रेसर रनिंग कर चालू है तो उस टाइम में आप देखेंगे तो हमारा जैसे अभी एक क्लियर पूरा ग्लास में दिख रहा है ऐसा ही दिखेगा, हल्का आपको मालूम पड़ेगा कि गैस फ्लो हो रहा है। अगर कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बबल्स है या ऐसा ज़्यादा फ्लो जैसा दिखेगा, नहीं है तो अगर सिस्टम प्रॉपर एकदम अच्छे से काम कर रहा है तो यहाँ पे एकदम क्लीन ऐसा दिखेगा, तो हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यह तो वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल HBAC टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।